Hello children, parents and teachers, if you are watching my videos, then welcome to my class. And today we will continue a very important concept of rhyming word. Rhyming word ये बहुत ही important concept होता है grammar में. तो rhyming means what? Rhyming क्या होता है? Words के जो ending words होते हैं, ending sound होते हैं. कोई भी word अगर हमने लिया, like same, same is same. एंड जी एम ई गेम, इसमें क्या होगा? दो एम ई एम ई जो लास्ट साउंड आया है, सेम गेम, तो म म जो साउंड आया है, तो ये क्या हो गया? सिमिलर है, इसीलिए एंडिंग साउंड जो उसके सेम होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? राइमिंग वर्ड्स. जैसे कि आपके नेम्स में भी होता है, किसी का नाम धनश्री है तो किसी का नाम तनुश्री है तो श्रीश्री आ गया, कोई राजेश है तो कोई अगर किसी का नाम राजेश है और किसी का नाम तेजस है तो फिर यहाँ पर भी सिमिलर साउंड आ गया है. मतलब क्या हो रहा है? जब एंडिंग साउंड सिमिलर होता है तो हम सिमिलर मतलब सेम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? यस, राइमिंग वर्ड. तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर राइमिंग वर्ड. पहले देखो यहाँ पर उसका डेफिनेशन क्या दिया है. डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेन करके कहा गया है, वर्ड विद द सेम एंडिंग साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड. और अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो देखो क्या दिया है, डी आई सी डिक, एफ आई सी फिग, ग ग, एस ए सी के सैक, बी ए सी के बैग, क क, जी ए एम ई गेम, एफ एल ए एम ई फ्लेम, म म. तो यहाँ पर क्या हुआ? सेम एंडिंग साउंड. एंडिंग साउंड क्या है? सेम है, इसलिए हम कहेंगे राइमिंग वर्ड. नाउ व्हाट इज गिवन हियर, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्टिविटी दिया है हमें. देखो, पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पोएम. सो दिस पोएम यू ऑल नो, 1 2 3 4 5, वंस आई कॉट द फिश अलाइव, 6 7 8 9 10, देन आई लेट इट गो अगेन. व्हाई डिड यू लेट इट गो? बिकॉज इट बिट माई फिंगर. सो Which finger did it by? This little finger on my right. Okay, तो ये poem आपको याद आ गई, junior senior में सीखी हुई है. चलो अभी इसमें से हमें find करने हैं rhyming words. So now, five alive. Rhyming है, यहाँ पर लिखेंगे F-I-V-E, five, dash कर दो और लिखो alive. Then next, पेन अगेन, न न साउंड यहाँ पर लिखना है. ओके, देन आफ्टर दैट गो, सो आ गया, इसके लिए गो एंड सो भी आपको लिखना होगा. देन आफ्टर दैट फिंगर, फिंगर तो सेम सेम है, नहीं आएगा. सो विच वन वी कैन राइट? बाइट राइट, बाइट राइट. यहाँ पर स्पेलिंग अलग अलग आती है बट ट ट ट ट साउंड है, इसके लिए बाइट एंड राइट. ओके, तो ये भी आपको लिखना है. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट टू राइमिंग वर्ड फॉर ईच वर्ड गिवन बिलो. यहाँ पर कौन सा वर्ड दिया है? विच वर्ड इज गिवन हियर? बी ए टी बैट, ब एट अ बैट. उसके साथ तो हम हमेशा लिखते हैं बैट, कैट, आर ए टी रैट. यू कैन राइट एम ए टी मैट, एस ए टी सैट, बहुत सारे वर्ड्स आप लोग लिख सकते हो. तो उसमें से दो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं. सेकेंड साउंड, एस ओ यू एन डी साउंड, आर ओ यू एन डी राउंड, एफ ओ यू एन डी फाउंड, जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज उसमें भी जो सिमिलर वर्ड है, लास्ट वर्ड है, सेम रहेगा. ठीक है, बिग, बी आई सी बिग, एफ आई सी फिग, देन फिग, डब्ल्यू आई जी बिग. जिसको बाल नहीं होते हैं तो लोग क्या पहनते हैं? विग पहनते हैं ना. ओके, एल ए के ई ले, टी ए के ई टेक, एम ए के ई मे,
पिल, पिल गोलियां होती है ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर हमें पिल देते हैं। तो पिल का दूसरा हम राइमिंग वर्ड क्या लिखेंगे, BIL, बिल। TIL, तिल। FIL, फिल। MIL, मिल। देखो कितने सारे वर्ड आ सकते हैं। SLOW, स्लो। BLOW, ब्लो। बर्थडे में हम कैंडल को क्या करते हैं, ब्लो, फूंक मारते हैं उसे, फिर हम क्या करते हैं, बुझा देते हैं, ब्लो ऑफ करते हैं उसे। नाउ स्लो ब्लो एंड GLOW, ग्लो। हमारे फेस के ऊपर हम अच्छे से, फेस हमारा अच्छा दिखना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं। पेट, पेट का NET, नेट। SET, सेट। MET, मैट। और क्या लिख, GET, गेट। यस वेरी गुड, आप लोगों को भी ये देखो वर्ड्स आने लगे हैं। फैन, FN, फैन। MAN, मैन। RAN, रैन। CAN, कैन। PAN, पैन। WAN, वैन। देन उसके बाद हेट, HDE, हेट। MATE, मेट। GATE, गेट। देन और आगे दूसरा कौन सा आ सकता है, मेट, गेट, हेट। ओके, और तो देखेंगे, और आप लोग याद करो, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा याद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। BACK, बैंक। देन BACK बैंक के साथ में क्या आ सकता है, थिंक करना पड़ेगा। सैक, SACK, सैक। सैक होता है ना जिसमें हम सामान भरते हैं, गेहूँ चावल ग्रेन्स भरते हैं, सैक। HACK, हैक। ओके, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दीज ऑल वर्ड्स, राइमिंग वर्ड। विच आर दीज, राइमिंग वर्ड। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन हियर, क्रॉस द वर्ड दैट डज नॉट राइम विथ अदर वर्ड। तो यहाँ पर अभी एक ना सेट दिया है। अभी सपोज ऐसे आपके साथ में आप बॉय हो, तो आपके साथ एक बॉय खड़ा है और एक बॉय है और एक बॉय है और एक जो है वो क्या है, गर्ल है। तो क्या हो जाएगा, बॉय 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 का थ्री बॉयज का ग्रुप बन गया। बट गर्ल इज क्या है, बॉय नहीं है ना, ऑड वन, तो उसे हम करेंगे सर्कल। या अभी आप देखो यहाँ पर ये मैंगो एप ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल है, और यहाँ पर मैं निकालूंगी फ्लावर। तो ये क्या हो गया, फ्लावर तो फ्रूट नहीं है ना, ये ऑड वन है। ऐसे ही आपको साउंड का देखना है अभी, ठीक है। चलो राइमिंग देखेंगे। LIGHT, लाइट। BRIGHT, ब्राइट। NIGHT, नाइट। EIGHT, एट। देखो अभी हम इसको ट ट ट ऐसे ही आया, ब्राइट राइट, मतलब ईट 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 ऐसे साउंड आया है, और यहाँ पर क्या आया, ट। इसके लिए एट को सर्कल करना है। आपने देखा साउंड कैसे, फिर से एक बार देखेंगे। चलो LIGHT, लाइट। BRIGHT, ब्राइट। NIGHT, नाइट। EIGHT, एट। है ना डिफरेंस, यस। FROG, फ्रॉग। DOG, डॉग। BAG, बैग। LOG, लॉग। तो अभी देखो, फ्रॉग डॉग एंड लॉग साउंड सेम है, बट बैग डिफरेंट है ना। सर्कल करो। बुक, स्पून, कुक, टुक। योर स्पून, बिकॉज बुक कुक टुक सेम है बट स्पून। बबल, ट्रबल, पडल, डबल। नाउ हियर, बबल, ट्रबल, डबल। सिमिलर सिमिलर है, सेम सेम है, बट पडल।
कटहल क्या होता है बोलो? अभी रेनी सीजन है ना, बहुत जगह पे पानी भर रहा है, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पडल। ठीक है, उस पे आप बच्चे क्या करते हैं? जंप करते हैं, उसमें बच्चे बोट सेल करवाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज योर फोर्थ क्वेश्चन? नेम द पिक्चर्स एंड राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर देम इन द बॉक्स। अभी ये पिक्चर में क्या दिया है? वेल है, तो नेम द पिक्चर, पहले हम उसका नेम लिखेंगे। नेम द पिक्चर एंड राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर देम इन द बॉक्स। तो उसका राइमिंग वर्ड हम बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो पिक्चर क्या है? वेल है ना, WELL, वेल। उसका हम क्या राइमिंग लिख सकते हैं? TELL, टेल। ये क्या है? HOUS, ये हाउस। माउस, MOUSE, माउस। वाओ, MOUSE, माउस। चूहा। DUCK, विच पिक्चर इट इज? क्या है ये? डक। तो हम डक का स्पेलिंग, राइमिंग वर्ड क्या लिख सकते हैं? डक। बक, DUCK बक भी लिख सकते हैं, LUCK लक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग वर्ड दैट राइम विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। अब यहाँ पे ब्रिंकल दिया था ना, तो ब्रिंकल को हम W कट कर देंगे और लिखेंगे T, ट्विंकल। समझ में आ रहा है? फर्स्ट लेटर को हम यहाँ पर कट करके सेम साउंड वाला वर्ड लिखेंगे। वी डैश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, ब्रश नो ब्रश। तो सी को कट करो और लिखो बी। रवि इज डैश ऑन द फोन वॉकिंग नो टॉकिंग। तो TALK ING, टॉकिंग। प्लीज डैश सम वॉटर टू मेक टी। सॉइल मट्टी नहीं, बॉइल, BOIL, बॉइल। एस को कट करके लिखना है बी, BOIL, बॉइल। नेक्स्ट, अमन डैश अ बाइसिकल, साइड नो, आर आई। तो एस को कट करके लिखना है आर आई डी ई एस, राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना इज डैश एन एप्पल, बीटिंग नो, देन व्हाट वी हैव टू राइट? ईटिंग। तो बी को कट कर दिया और यहाँ पर लिखना है EATING। तो फर्स्ट वर्ड कुछ नया नहीं लिखना है, ओनली EATING, ईटिंग। खाती है, आप लोग भी खाते हो ना? यस, ईटिंग। रीना इज ईटिंग एन एप्पल। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे। चलो, वाह, वेरी नाइस पिक्चर आर गिवन। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। रीड द वर्ड इन द बलून। तो व्हाट आर दिस बलून? वाह, हार्ट शेप बलून दिए हैं। एंड कलर द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। इसमें से हमें राइमिंग वर्ड का पैर को कलर करना है। जोड़ी, पैर मतलब जोड़ियाँ। ओके, आपके पास अगर आप गर्ल्स हो तो हाथ में बैंगल्स पहनते हो, सेम सेम कलर के जोड़ी रहती है ना। पैर में सब बच्चे शूज पहनते हैं, पैर ऑफ शूज है। ऐसे हम यहाँ पर अभी जोड़ी बनाएंगे किसकी? राइमिंग वर्ड की। तो BAD बैड, HAT हैड, SAD सैड। तो बताओ जल्दी से कौन सा राइमिंग वर्ड सेम आएगा? यस, बैड एंड सैड। इसे हमें क्या करना है? ओनली दिस वी हैव टू कलर। ओके, हैड को नहीं करना है बिकॉज उसका राइमिंग नहीं है। TEN टेन, HEN हैन, RED रेड। तो टेन एंड हैन। ओके, अभी मैं आप लोगों को फटाफट रीड करके दिखाती हूँ। कितना सिंपल और बहुत ही मस्त एक्सरसाइज दिया हुआ है यहाँ पर। WET बैट, PIT पिट, NET नेट, यस वेट एंड नेट। LIT लिप, GUM गम, HUM हम। ओ, HUM हम एंड GUM गम।
यही आएगा बिकॉज एल आई पी लीव तो राइमिंग नहीं है. एफ आई एन सी सी आई एन सी सी सैड पिन पिन. समझा आप लोगों को कितना अच्छा है कॉन्सेप्ट ये. तो पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बच्चों के लिए अपने, तो प्लीज़ आपको ऐसे ही करना है. अलग अलग डिजाइन के इंटरेस्टिंग पिक्चर्स ऐसे बच्चों को देते हैं तो बच्चे बहुत ही मज़े से वो काम करते हैं बिकॉज